अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले व्हाट इज़ एडिशन? एडिशन होता क्या है? एडिशन मींस पुटिंग टुगेदर टू और मोर नंबर्स और थिंग। एडिशन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा नंबर या चीज़ों को आपस में मिलाना, उसको हम एडिशन बोलते हैं। और एडिशन के लिए प्लस का साइन यूज़ किया जाता है। नाउ फाइंड द सम ऑफ 1725 एंड 4154। अब हमें 1725 और 4154 का सम निकालना है। सम का मतलब भी एडिशन होता है। अब इसको हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट नंबर है 1725 लिखते हैं, और उसी के नीचे हम दूसरा नंबर 4154 लिख के उसको आपस में ऐड करवाएंगे। नाउ एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले स्टेप नंबर वन में आपको वंस वाले डिजिट्स को आपस में प्लस करवाना है। जैसे कि यहाँ पे 5 + 4 जब हम करवाएंगे तो वो हो जाएगा आपका 9। इसी तरह सेकंड स्टेप में आपको प्लस करवाना है 5, 4, 2 को। टेंस वाले नंबर्स को प्लस करवाना है। जो टेंस वाले नंबर में 5, 4, 2 आ जाते हैं, उस 5, 4, 2 को प्लस करेंगे तो आपके हो जाएंगे 7। फिर अगर हम स्टेप नंबर 3 की बात करें तो स्टेप नंबर 3 में 700 वाले नंबर को प्लस किया जाता है। 100 प्लेस पे जो नंबर हैं वो 7 और 1 हैं। 7 और 1 को प्लस करें तो वो बनता है 8। स्टेप नंबर 4 में हम प्लस करते हैं 1000 वाले नंबर्स को। 1000 वाले नंबर्स में 4 और 1 आ जाता है। 4 और 1 को प्लस करेंगे तो इस तरह आपका बन जाएगा 5। तो जो हमने क्वेश्चन का प्लस किया तो उसका आंसर आया 5879। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन मींस टेकिंग अवे अ नंबर फ्रॉम एन अदर नंबर। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि एक नंबर को दूसरे नंबर में से निकाल देना, कम कर देना। इट इज़ अपोजिट ऑफ एडिशन, और इसको हम एडिशन का उल्टा भी कहते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ 8546 एंड 6894। अब हमें 8546 और 6894 का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस वर्ड यूज़ किया जाता है सब्ट्रैक्शन के लिए। सो यहाँ पे हमेशा माइनस वाले में जो बड़ा नंबर होता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। जस्ट लाइक यहाँ पे 8546 नंबर बड़ा है तो उसको हमने ऊपर लिखा है, और जो 6894 वो छोटा नंबर है उसको नीचे लिखा है। तो हमेशा याद रखिएगा, माइनस में सब्ट्रैक्शन में हमेशा बड़ा वाला नंबर ऊपर लिखा जाता है। नाउ एक्सप्लेनेशन। इसमें भी स्टेप वन सेम, वंस वाले नंबर को हमेशा सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। सो 6 में से जब 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर बचेगा 2। तो हमने 2 लिख दिया। स्टेप 2 में हम टेंस वाले नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। अब 4 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि 4 9 से छोटा होता है, इसलिए हमें 7 वाले नंबर से 1 कैरी लेना पड़ता है। तो यहाँ पे 5 था 7, तो हमने 5 से 1 को कैरी लिया तो हमारे पास हो गए 14, और 5 जिससे हमने कैरी लिया था वहाँ पे रह गए 4। तो अब 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 5।
सो अब स्टेप थ्री में हमें 100 प्लेस वाले नंबर को सबट्रैक्ट करवाना है। अगेन यहाँ पे जो 4 है उसको 8 से माइनस नहीं किया जा सकता, क्योंकि 4 जो है 8 से छोटा है, इसलिए हम 8 में से 1 कैरी करके 4 को देंगे, तो वो आपका हो जाएगा 14, और 8 के पास रह जाएंगे बाकी 7। अब 14 में से 8 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 6। और लास्ट स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 4 में जो 1000 प्लेस वाले नंबर्स को आपस में सेपरेट करेंगे, तो वहाँ पे रह गए थे 7, तो 7 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 1654। तो इस तरह आप स्टेप वाइज इस एडिशन को सॉल्व करेंगे, और ये आपका होमवर्क है जो आपको अपनी मैथ की कॉपी पे करना है। कुछ क्वेश्चन आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपके एडिशन के हैं, एंड सेकंड 3 क्वेश्चंस आपके सब्ट्रैक्शन के हैं। थैंक यू।